दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सनी पाजी यानी सनी देओल बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिनकी स्टारडम में आज भी कोई कमी नहीं है। आज भी वो जहां जाते हैं उनके फैंस उनके एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस समय सनी पाजी अपने आने वाली फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं और उनके फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी बैक टू बैक कई सारी फिल्मों की शूटिंग में सनी पाजी अभी बिजी हैं। सनी पाजी की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ काफ़ी सुर्खियों से भरी रही है। फिल्मी सफर जहां उनका काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा, वहीं दूसरी ओर उनका निजी जीवन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। लेकिन इसके बावजूद सनी पाजी का जीने का अंदाज सबसे अलग है। वो अपने असूलों पर जीना पसंद करते हैं। बॉलीवुड में कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन पर सनी पाजी जान छिड़कते हैं और वहीं कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनसे सनी पाजी की बिल्कुल भी नहीं बनती। एक समय ऐसा था जब इनकी अमिताभ बच्चन के साथ अनबन हो गई थी और उस अनबन के बाद सनी पाजी ने कसम खा ली थी कि वो बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे और किया भी वैसा ही। जैसा कि आप सभी को पता है कि हीमेन कहे जाने वाले धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के बीच कितना गहरा याराना है, ये भी आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा कि अमिताभ बच्चन का करियर ऊंचा उठाने में धर्मेंद्र ने काफ़ी मेहनत की थी। कई सारे बड़े बजट की फिल्मों में धर्मेंद्र की वजह से अमिताभ बच्चन को अच्छे रोल मिले। इन सभी फिल्मों को करने के बाद अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार बन गए। ये अलग बात है कि आज भी धर्मेंद्र के द्वारा किए गए उपकार का बदला अमिताभ बच्चन नहीं चुका पाए हैं और ऐसे में बच्चन और देओल परिवार में रिश्ते हमेशा से मधुर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें सनी पाजी की, तो सनी पाजी की नाराजगी हमेशा से ही बच्चन परिवार के प्रति देखने को मिली है। चाहे अमिताभ बच्चन हो या फिर उनकी पत्नी जया बच्चन हो या फिर उनके बेटे अभिषेक बच्चन हो, तो वहीं बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय के साथ भी सनी पाजी के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर खास तौर पर बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने हर उम्र के दर्शकों का मनोरंजन किया है और अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान काफ़ी इज्जत और शोहरत भी कमाया है। अब बॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार के साथ सनी पाजी ने एक फिल्म में काम किया था, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी पाजी का अमिताभ बच्चन के साथ कुछ विवाद हो गया और इस विवाद के बाद बताया जाता है कि सनी पाजी ने कसम खा ली थी कि वो कभी भी बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन करीब 28 साल के बाद अमिताभ बच्चन को खुद सनी देओल के सामने झुकना पड़ा और उनके साथ फिल्म करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। चलिए मैं आपको इसका पूरा किस्सा सुनाता हूँ। बात है साल 1990 का, जब सनी पाजी बॉलीवुड में अच्छा काम कर रहे थे और वो कई सारे बिग बजट मूवी का हिस्सा थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन भी अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम कर रहे थे। ऐसे में एक बड़ी फिल्म में सनी देओल और अमिताभ बच्चन को एक साथ काम करने का मौका मिला और ये फिल्म थी क्रोध। इस फिल्म में लीड रोल में थे संजय दत्त और सनी देओल और इस फिल्म में मेहमान रोल में अमिताभ बच्चन नजर आए। अब इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के बाद सनी देओल की आंखों में अमिताभ बच्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा मान और सम्मान बढ़ गया, लेकिन यह मान सम्मान 4 सालों के अंदर ही टूट गया। अब साल 1994 में एक बार फिर से दोनों नजर आए, वो भी दोनों लीड रोल में, और ये फिल्म थी इंसानियत। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ सनी देओल, चंकी पांडे, जयप्रदा और रवीना टंडन नजर आए और ये उस दौरान की एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन एक बार फिर से अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की, जैसे कि वो अपनी दो हीरो वाली फिल्मों में करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन उस दौर में एक बड़े सुपरस्टार थे और बताया जाता है कि इंसानियत फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स सनी पाजी को दिए गए थे जो अमिताभ बच्चन पर काफ़ी भारी पड़ रहे थे। ऐसे में अमिताभ बच्चन को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने डायरेक्टर से मिलकर सनी पाजी के रोल को कटवाने के लिए कहा, लेकिन फिल्म की कहानी के हिसाब से डायरेक्टर ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन अमिताभ बच्चन ने उस दौरान अपने स्टारडम का फायदा उठाया और उन्होंने सनी पाजी के कई सारे अहम सीन्स को कटवा दिए। लेकिन बाद में जब सनी पाजी को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मन ही मन में ठान ली कि वो अमिताभ बच्चन के साथ कभी भी किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे और किया भी वैसा ही। आने वाले समय में भले ही कैमियो रोल में ये एक दूसरे की फिल्मों में नजर आए, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने कभी भी लीड रोल में काम नहीं किया। हालांकि साल 1994 में इंसानियत फिल्म को करने के बाद 2013 में एक महाभारत फिल्म आई थी जो एक एनिमेटेड फिल्म थी। इस फिल्म में इन दोनों कलाकारों ने अपनी आवाज़ दी और 1994 से लेकर 2022 तक ये किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं बने।
लेकिन करीब 28 सालों के बाद लगता है इन दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है और एक साथ ये बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। और ये फिल्म होने वाली है आर बाल्की की फिल्म चुप। ये फिल्म काफ़ी मायनों में बहुत खास है क्योंकि यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में करीब 28 सालों के बाद सनी पाजी और अमिताभ बच्चन साथ काम करने वाले हैं और इन दो बड़े सुपरस्टारों को एक बड़े स्क्रीन पर देखना उनके फैंस के लिए एक बड़ी सौगात होने वाली है। टीजर को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल चुका है और फैंस बड़ी बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार भी कर रहे हैं। आर बाल्की ने अपने इस फिल्म के बारे में बताया कि फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट गुरुदत्त से प्रेरित है और ये फिल्म ऐसे कलाकार के दर्द को दर्शाती है जो गलत आलोचना का शिकार है। और ख़ास बात तो यह है कि इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में सनी पाजी के साथ अमिताभ बच्चन भी नज़र आने वाले हैं। वहीं एक तरफ जहां इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन आज भी एक्टिव रहे हैं लेकिन सनी पाजी एक्टिव ना भी हों, लेकिन इसके बावजूद भी सनी पाजी के स्टारडम में कोई कमी नहीं आई है। सिर्फ चुप ही नहीं बल्कि आने वाले समय में अपनी गदर 2 को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं। इसके साथ ही जोसेफ फिल्म की हिंदी रीमेक को लेकर काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं और ख़ास बात तो यह है कि उन्होंने अभी हाल ही में एक और बड़ी फिल्म को साइन किया है और ये फिल्म अहमद खान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इस फिल्म में सनी पाजी के साथ जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती मेन रोल प्ले करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही।